चलिए शुरू करते हैं आज की इस न्यू ब्लॉग की शुरुआत। व्हाट्सअप यू ब्यूटीफुल पीपल, की हालचाल ना पर दिवांशु महेंद्र की नमस्कार। सो गाइस, आज की इस ब्लॉग में मैं जाने वाला हूँ दुर्ग यूनिवर्सिटी के पास, क्योंकि आज जो है ना वहाँ पे महाघेराव होने वाला है, ना कि NSY के द्वारा बल्कि HYCM के द्वारा। देखते हैं वहाँ पे चलकर कि किस तरह का जो है व्यू मिलने वाला है, कितने स्टूडेंट्स आए हैं, कितने स्टूडेंट्स नहीं आए, वहाँ पे चलकर ही पता चलेगा। सो गाइस, दुर्ग शहर में पहुंच तो गए और ये रहा साइंस कॉलेज दुर्ग का, कुछ इस तरह का व्यू है सामने से। अभी फिलहाल वहाँ पे जो है ना लोग इकट्ठा हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ से जो है सीधा निकलेंगे दुर्ग हेमचंद यूनिवर्सिटी के पास। तो देखते हैं किस तरह का जो है व्यू मिलेगा साइंस कॉलेज के अंदर। तो मैं पहुंच गया हूँ और कुछ इस तरह का व्यू है, और ये रहा सामने, देखो लोग इकट्ठा हो रहे हैं। बाहर से जो है ना अच्छी तरह से जो है नजर नहीं आ रहा था, लेकिन ये देखो ये सारे जो है ना HYCM वाले हैं। भाई साइंस कॉलेज तरफ का तो पता चल गया कि यहाँ पे स्टूडेंट इकट्ठा हो रहे हैं, लेकिन मेन जो है ना लक्ष्य हमारा हेमचंद दुर्ग यूनिवर्सिटी के पास है, कि उधर चलकर भी एक बार देख लेते कि उधर का भी माहौल किस तरह का। तो चलो फिर वो आप लोगों को मैं उधर ले जाकर दिखाता हूँ। लिटरली गाइस, यूनिवर्सिटी के पास पहुंचने के बाद कुछ इस तरह का देखो व्यू है। स्टूडेंट्स जो है नजर नहीं आ रहे, मेरे ख्याल से लग रहा है अभी जो ना प्रिपेयर हो रहे हैं साइंस कॉलेज के पास, वहाँ से जो है ना रैली आएगी इस तरफ। तो गाइस, गार्ड को पता चल गया है यहाँ पे जो है ना अभी कुछ होने वाला है, इस वजह से जो है ना इन्होंने गेट में ताला लगा दिया, देख रहे हो, और चेन से बांध दे रहे हैं। और साथ ही साथ गाइस सामने देखिए, आर्मी वाले और पुलिस वाले भी आए, यानी कि सुरक्षा के लिए देखो, और उनके हाथों में जो है ना लाठी भी है। आप लोगों को मैं जूम करके दिखाता हूँ, आई होप कि आप लोगों को नजर आ रहा होगा। ये देखो, देख रहे हो, कुछ इस तरह का जो है व्यू है। अब देखो किस तरह का जो है सीन बनता है जब इतने सारे लोग आएंगे इधर प्रदर्शन करेंगे। तो देखिए यूनिवर्सिटी के अंदर पुलिस वाले भाई साहब के हाथ में भी जो है लाठी है। ये रहा हमारा प्यारा यूनिवर्सिटी दुर्ग हेमचंद विश्वविद्यालय, कुछ इस तरह का है। फिलहाल अभी जो है निर्णय नहीं ले पा रहे हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन के लिए, टाइम टेबल तो जारी कर दिया, लेकिन स्टूडेंट जो है ना बहुत ज्यादा जो है गुस्से में, तो अभी जो है ना प्रदर्शन करने के लिए आने वाले कुछ ही मिनटों में। ऊपर से जो है ना आप लोगों को तो मैंने जो है ना प्रोटेस्ट होने से पहले का जो है ना स्थिति दिखा दिया यूनिवर्सिटी के अंदर और बाहर भी। अब देखो कुछ देर के बाद हमें किस तरह का जो है व्यू मिलने वाला है। मैं तो फिर से कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ, जो ना अलग ही वाइब मिल रहा है कि क्या होगा करके। अभी बोल रहे कि ना वहाँ सामने से जो है ना रैली आ रहा है, तो अभी मैं वहीं ले जा रहा हूँ। तो आप लोगों को मैं दिखाता हूँ बैक कैमरा से, देखो आप लोगों को नजर आ रहा होगा कि नहीं आ रहा होगा। जल्दी से दौड़ के चलता हूँ, आप लोगों को सामने से जो है ना व्यू दिखाता हूँ। बाप रे, कितने सारे लोग आए, और साथ में जो है ना पुलिस ऑफिसर्स भी है सेफ्टी के लिए। ओ भाई साहब, देख रहे हो, कुछ इस तरह जो है ये देखो प्रदर्शन हो रहा है HYCM के द्वारा, और पुलिस ऑफिसर्स भी है यहाँ पे। तो गाइस कुछ इस तरह का जो है यहाँ पे प्रदर्शन हो रहा है, क्योंकि स्टूडेंट्स का जो है ऑनलाइन एग्जाम के लिए। देखो अभी किस तरह का जो है व्यू मिलता है, क्योंकि यहाँ पे जो है ना अभी ऑनलाइन के लिए मांग के लिए यहाँ पे सारे स्टूडेंट्स जो है लड़ रहे हैं। कुछ इस तरह का जो है अभी घेराव किया जाएगा, सारे जो है दुर्ग साइंस कॉलेज तरफ से हैं, और भी अगर कॉलेजेस से अगर जुड़े हैं तो इसमें जो है इन्वॉल्व होंगे। और कुछ इस तरह का जो है ना अभी डिस्कशन चल रहा है। जबरदस्त जो है प्रदर्शन हो रहा है। और हर जगह एक ही एक नारा है, वो है जैसी शिक्षा वैसी परीक्षा। अधिकार मांगते नहीं किसी से, भीख मांगते हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से, भीख मांगते हनन हुआ तो खून बहेगा सड़कों पे, कितने सारे लोग आए कॉलेज से। अभी आप देखना ये कि किस तरह का जो है निर्णय निकल के आता है,
ऑनलाइन एग्जाम के लिए साल भर जो है ऑनलाइन पद्धति से पढ़ाए हैं और लास्ट अंतिम चरणों में कुछ इस तरह का जो है डिसीजन जो है हमारा करियर डिसाइड नहीं कर सकता। उन्होंने धीरे धीरे करते करते हेमचंद यूनिवर्सिटी के पास अभी बढ़ रहे लोग। और यहाँ पे जो अभी पुलिस वाले जो है तैनात है और आर्मी वाले भी, ये देखो अंदर देख रहे हो, गुस्सा होना जाहिर सी बात है क्योंकि जो है ना निर्णय नहीं ले पा रहे ऑनलाइन एग्जाम के लिए, कितना टाइम लगा रहे, आज होगा कल होगा निर्णय करके। और सभी लोगों को ये देखो गेट के ऊपर जो है चढ़ गए। वैसे देखो कितने सारे पुलिस ऑफिसर्स और साथ में जो है ना आर्मी ऑफिसर्स भी जो है यहाँ पे मौजूद हैं। मैडम गेट को खुलवा दीजिए, यहाँ पे जो है ना स्टूडेंट्स मांग कर रहे गेट खुलवाने के लिए। यूनिवर्सिटी वाले पुलिस बुला लिए बच्चे लोग के लिए, अपराधी क्या मैडम हम लोग छात्र हैं सब, अपराधियों पे तो अंकुश है नहीं, बच्चों पे लगाओगे क्या मैडम? तो यहाँ पे जो है ना अभी पुलिस ऑफिसर से जो अभी बात कर रहे हैं। पहली बार नहीं आ रहे, पहली बार ताला लगा है। मैडम भाई ये नहीं, मैडम भाई यहाँ से लगा दी जाएंगे। वीडियो बनाना बोल रहा हूँ। कॉलेज का गेट बंद कर दिया, ये कहाँ तक छात्र के लिए? यही तो है ये गेट छात्र के लिए, छात्र अंदर जाना चाहता है जाने दो। तो गाइस अभी जो है गेट के पास बैठ जा रहे हैं। घेराव कर रहे हैं मेन गेट के पास। तो गाइस यहाँ पे जो है लेडीज कांस्टेबल और साथ ही साथ देखो महिला पुलिस ऑफिसर्स को भी बुलाएं, देखो क्या निर्णय निकल के आता है अंतिम क्षणों में। जो है वो बात बता रहे अंदर आने दे दो बस। नहीं किसी से भीख मांगते, किसी से भीख मांगते। बहसबाजी हो रही है अभी देखो। इस वक्त जो है ना पुलिस और स्टूडेंट्स के बीच में जो है ना लड़ाई छिड़ गई है देखो। पुलिस ऑफिसर्स अभी बोले कि मैडम आ रही है, मैडम आके क्या डिसीजन लेती है और क्या बोलेगी इसके लिए भी जो है सारे स्टूडेंट्स और मैं भी वेट कर रहा हूँ। मीटिंग है और उसके एक दिन पहले कुछ इस तरह का जो है अभी प्रदर्शन हो रहा है, तो जाहिर सी बात है सारे स्टूडेंट जो है अभी गुस्से में, ऑनलाइन का डिसीजन नहीं लिया जा रहा है यूनिवर्सिटी के द्वारा और यूनिवर्सिटी कह रही कि सरकार के हाथ में, सरकार के हाथ में भी रहते हुए भी सरकार भी कुछ भी नहीं कर रही है। ये रहा ज्ञापन जो अभी सौंपेंगे HYCM के द्वारा। ऑनलाइन एग्जाम होना चाहिए।
बगैर मुर्दाबाद, उमेश बगैर मुर्दाबाद, अमर काका देख रही ओले निशा भोग रही, अमर काका देख रही ओले निशा भोग रही। हेलो सर, हिंदू अमन से बोल रहा हूँ सर, मैडम से बात हो सकती है क्या? हिंदू अमन से है सर, अभी ज्ञापन देने के लिए आए, बाहर खड़े सर। अभी जो है ना कुलपति जी से जो है ना बात कर रहे थे, लेकिन बात हो नहीं पाई है। वो रही हमारी कुलपति मैडम अरुणा पलटा जी, जो कि आ रही है इस वक्त। तो देखो अभी क्या निर्णय जो है लेती है मैडम ऑनलाइन डिसीजन पे। वही हमारी मांग है, देखिए आप सबसे पहले देखिए कॉलेज में सिलेबस पूरा हुआ नहीं है, उसके बाद भी आप लोग ऑफलाइन एग्जाम ले रहे हैं। परीक्षा केंद्रों में हम स्टूडेंट्स आपको चैलेंज करते हैं कि आप 2 महीने पढ़ के एग्जाम दिला के देखिए, आप उसमें पास होंगे या फेल वो आपको खुद पता चल जाए। 2 महीने क्लासेस लगी है, उसमें भी आधे से ज्यादा टाइम कल्चरल एक्टिविटीज में ये लोग खत्म कर दिए। कभी साइंस डे मना रहे हैं, कभी मैथ्स डे मना रहे हैं, कभी वुमेंस डे मना रहे हैं, तो ऐसे में स्टूडेंट्स के पढ़ाई में इरिट होने में असर पड़ेगा ही। दूसरी मांग ये है कि ऑनलाइन क्लासेस लगी है, नो डाउट कॉलेज ने यूनिवर्सिटी ने अपना 100% दिया, पर कॉलेज के जो फैकल्टीज हैं वो लोग ने उसको सही ढंग से पालन नहीं किया। और कई ग्रामीण क्षेत्रों के स्टूडेंट ऐसे भी हैं, नेटवर्क या किसी और इशू से क्लास को ज्वाइन नहीं कर पाए। मैम तीसरी मांग ये है, समय सारणी जो आपके द्वारा जारी की गई है 16 अप्रैल से, जिसमें एग्जाम का मेंशन है कि वो सेंटर्स में होंगे, तो सर आप भी देख लीजिए, आज 22 तारीख है और आप 16 तारीख के पहले करीबन ऑलमोस्ट 1 या 2 तारीख को आप लोग एडमिट कार्ड जारी कर दें, है ना। 20 तारीख ने कॉलेज ने नोटिफाई किया था पर वो अभी तक के नहीं हुआ है, तो 1 या 2 तारीख के आसपास वो जारी होगा। सर 16 दिन के शॉर्ट नोटिस में एग्जाम्स की तैयारी कर पाना इम्पॉसिबल। ये सर आप भी जा रहे हैं, मैडम आप भी जा रहे हैं और हम भी बहुत अच्छे से जान रहे हैं, और आपसे ये आशा भी रखता हूँ कि इस मांगों को आप लोग उच्च शिक्षा विभाग के सामने रखेंगे और इसका निष्पक्ष निर्णय आएगा। हमने भिजवा दिया, दूसरी बार आना पड़ गया क्योंकि आप लोग इसके ऊपर एक्शन नहीं लिए। हमने भिजवा दिया था बेटा, जैसे तुमने दिया ना अगले दिन ही मैं भिजवा दूँ। सर ये हमारी फिर से आपके पास मांग है, हम इस बार भी शांतिपूर्वक ढंग से, कोई उड़दंग नहीं हुआ है, पर सर इसके लिए आप लोग मजबूर मत कीजिए। नहीं नहीं देखो, लेकिन एक बात सुनोगे, परीक्षा 16 तारीख वाली बात कर रहे हो, शासन का एक एकेडमिक कैलेंडर होता है, तुम देखो सभी विश्वविद्यालयों की परीक्षाएं 16 से क्यों शुरू हो रही है। तो सर सुनिए 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 सुनिए, सर यूनिवर्सिटी के छात्रों की जवाबदारी यूनिवर्सिटी की बनती है कि नहीं बनती है ना, तो आप लोग की जिम्मेदारी बनती है कि कोर्स कंप्लीट हुआ है या नहीं, वो एक बार चेक करें कॉलेजेस में। हमने सब कॉलेजेस से मंगवाया है कि कौन से कॉलेज में कोर्स कंप्लीट हुआ है। नहीं सब कॉलेजों को लिखा है कि आप लिख दीजिए। पुराना साइंस कल्याण शंकराचार्य के दोनों महाविद्यालय स्वरूपानंद, ठीक है, भिलाई महिला विद्यालय, सेंट थॉमस कॉलेज, बोरी महाविद्यालय जोरा, है ना, रुंगटा, सभी के छात्र यहाँ पर है कि नहीं। अरे पूछिए सर किसके कोर्स कंप्लीट हुए। कॉलेज तो अपनी नाकामी छुपाने के लिए बोलेगी सर। हम लोग ना इसको एज इट इज उच्च शिक्षा विभाग को अपना कवरिंग लेटर लगा के भिजवा देंगे। सर आप लास्ट टाइम भी यही बोले थे, अभी तक के कुछ तो बेटा हमारा काम है भेजना। वो सर आपको प्रेशर बनाना चाहिए, जैसे स्टूडेंट आपके ऊपर प्रेशर बना रहे हैं वैसा आपको भी उच्च शिक्षा विभाग। हम लोग तो सरकारी कर्मचारी, हम किसके ऊपर प्रेशर बनाए। सर हमारी जवाबदारी किसकी है, यूनिवर्सिटी की जवाबदारी आपकी है ना। सर आपके पास परेशान करेंगे तो हम आज अभी नहीं हुआ तो वापिस आएंगे, हम आज ही इसको भेज देंगे। भेजोगे बिल्कुल, हम नो डाउट 16 अप्रैल से एग्जाम स्टार्ट हुए तो हम फिर आएंगे। वो शासन का निर्णय है, हमारा नहीं है बेटा। हम लोग आपकी भावनाओं का पूरा समझते हैं। भावनाओं नहीं सर, भावनाओं नहीं, जो परेशानियां बता रहे आप, जो ये परेशानी भावनाओं को तो दिसंबर से कॉलेज समझ ही रहे, 22 नवंबर से कॉलेज स्टार्ट हुआ, अभी तक का कितना कोर्स कम्प्लीट हुआ पूछ लीजिए। फिर यहाँ पे वुमेन से मना दिए, मैडम भी कई बार गेस्ट ऑफ ऑनर बन के गई है कई कॉलेजेस में, नो डाउट है ना। राज्यपाल मैडम आई थी उनके साथ में, आप मैडम, मैं मैडम की भी तस्वीर देखा इस कारण बोल, तो इसकी जवाबदारी सर यूनिवर्सिटी की है 100%। हम स्टूडेंट तो मानते हैं कि यूनिवर्सिटी की जवाबदारी, अब आप जानते हैं कि आपके ऊपर कौन है। बेटा देख हम लोग पूरा भेज देंगे, जैसा शासन करे, यदि शासन बोलेगा कि नहीं छात्रों की बात सही है इनका चेंज कर दिया, हम उसी क्षण चेंज कर देंगे, हमको तुमसे कोई परेशानी नहीं। सर एक बात छेड़ना था आपसे, आपने सब कुछ कह दिया लेकिन ये ऑनलाइन के ऊपर कुछ टिप्पणी क्यों नहीं कर रहे हो? बेटा हमारा अधिकार क्षेत्र में नहीं ना, जो मेरे अधिकार में नहीं है, मान लो इसको कुछ बोलूंगा उसका अधिकार में तो बोलेगा सर मेरे क्या मालूम, हमारे क्योंकि क्योंकि स्टूडेंट जो है ना मैनिपुलेट हो रहे हैं ऑनलाइन ऑफलाइन ऑनलाइन ऑफलाइन। शासकीय विश्वविद्यालय, हमको शासन का हर नियम को मानना है। सर आपका क्या है, सर आप इन दी कैमरा और इन दी ऑडियंस के सामने जो आप बोल रहे हो कि हम लोग आपके पक्ष में है,
लेकिन सब लोगों के जाने के बाद आप लोगों का निर्णय जो है बदल जाता है, आर्टिकल बदल जाता है, न्यूज़पेपर में जो है छपता वो बदल जाता है, स्टूडेंट्स के पास जो इन्फॉर्मेशन पहुंचता है वो बदल जाता है। शासन जो निर्णय लेगा उसको हम लोग को पालन करेंगे। तो कुछ इस तरह का भीड़ था यूनिवर्सिटी की गेट के बाहर। हमने जो है पूरा अंदर से रिकॉर्ड किया और बाहर आने का जो है चांस नहीं मिला क्योंकि सारे पुलिस ऑफिसर्स और सारे आर्मी जो है वहाँ पे तैनात थे। साइंस कॉलेज से कुछ इतने सारे स्टूडेंट्स आए हैं। तो गाइस अभी जो है ना प्रोटेस्ट ऑल ओवर जो है कंप्लीट हो चुका है और सारे जो है ना पुलिस वाले और आर्मी वाले भी यहाँ से जा रहे हैं। और एट द लास्ट मोमेंट मैं आप लोगों को यही कहना चाहूंगा कि आप लोग विश्वविद्यालय के पास आके अपना टाइम जाया मत कीजिए। और वो क्यों नहीं कीजिए, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट अगर सीएम के घर के सामने अगर घेराव करते हैं और दूसरा जो है उमेश पटेल जी के घर के सामने अगर घेराव करते हैं तब जो है कुछ बात बनेगी, क्योंकि वो ज्यादा जो है ना हाईलाइटेड करेगा लोगों को। अगर आप विश्वविद्यालय आओगे तो मैडम जो है सिर्फ अपना जो है ना हाँ बोलेगी और ना बोलेगी, बस इतना ही कुछ कर सकती है। उसके अलावा कुछ ज्यादा जो है ना प्रेशराइज नहीं कर सकती, ऊपर तक बात नहीं रख रही है, सिर्फ स्टूडेंट के सामने जो है ना बोल दे रही है कि मैंने जो है वहां तक नोटिस भेज दिया है, वहां तक जो है बात पहुंचा दी है। और मुझे तो नहीं लगता आप जो लेटर देते हो मैडम को, जो ज्ञापन सौंपते हो, ऊपर तक जाता है, क्योंकि मैडम जो है एसी के रूम में बैठी रहती है और स्टूडेंट्स को देखती रहती है। उनका करियर कैसा भी जाए हमको कोई मतलब नहीं है, यानी कि कुछ स्टूडेंट जो है आत्महत्या कर ले रहे उनसे भी कोई मतलब नहीं है, मुझे तो लग रहा है मैडम और सर की बातें सुनकर। अब देखो क्या निर्णय जो है निकल के आता है अंतिम क्षणों में, क्योंकि इस तरह का जो है घेराव करना आम बात नहीं है। काफी स्टूडेंट जो है अपना टाइम निकाल कर आते हैं, लेकिन मैम क्या कहती है, अपना टाइम वेस्ट मत करो, टाइम टेबल जो है आगे बढ़ा दिया जा रहा है, यानी कि डेट आगे बढ़ा दिया जा रहा है एग्जाम का। डेट आगे बढ़ाने से क्या होगा, जब शुरुआत से आपने लत लगा दिया है कि ऑनलाइन पद्धति का लास्ट अंतिम क्षणों में आप इस तरह का जो है घोषणा करते हैं कि लास्ट में ऑफलाइन एग्जाम लिया जाएगा, उसके बावजूद कुछ इस तरह का जो है प्रदर्शन हो रहा है, तो ये आपको अच्छा लग रहा है मैम, आप बताइए। इतने सारे स्टूडेंट जो है धूप में आके प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कुछ इस तरह का जो है धरना प्रदर्शन चल रहा है, मतलब स्टूडेंट्स का जो है पूरा दिमाग मैनिपुलेट आपने कर दिया, कभी आर्टिकल में छपाते हो कभी न्यूज़पेपर में, लेकिन लास्ट अंतिम क्षणों में भी आपका बात वही रहता है जो आपने आर्टिकल और बाकी न्यूज़पेपर में जो है छपाया है। कुछ तो नया निकल के आ नहीं रहा है और ना ही आप कुछ नया बोल रहे हो। मैं यही चाहूंगा अपने वीडियो के माध्यम से आप कुछ नया बोलो, यानी कि ऑनलाइन पद्धति के ऊपर आप कुछ बात करो। लेकिन मैम आप जब ऑनलाइन टॉपिक के ऊपर बात ही नहीं छेड़ रहे हो तो हम स्टूडेंट्स क्या करेंगे, इसी तरह धरना प्रदर्शन करेंगे, इसी तरह जो अपना प्रोटेस्ट जारी रहेगा आखिरी तक जब तक आपका निर्णय नहीं निकल के आ जाता। और आप क्या कर रहे हो कि 25 तारीख को कुछ भी निर्णय नहीं है, अपना कुछ भी फैसला नहीं होगा, क्यों नहीं होगा मैम आप ये बताओ, 25 तारीख को जो है निर्णय निकल के आएगा। आप कहते हो कि रायपुर तरफ से आएगा, क्यों आपकी तरफ से नहीं आना है, क्यों आप नहीं चाहते हमारी दुरुंग यूनिवर्सिटी तरफ जो है छात्र ऑनलाइन का एग्जाम दे। तो गाइस कुछ इसी तरह का था यहाँ पे HYCM द्वारा प्रोटेस्ट। आई होप कि आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। तो इसी के साथ आज की इस व्लॉग पे बस इतना ही। दिस इज देवांशु साइनिंग ऑफ, आप लोगों को मैं फिर मिलूंगा नेक्स्ट व्लॉग पे। सब्सक्राइब टू माय चैनल, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।